अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आर व्लॉग अर्थ। जी कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह मैं अपने पोल्ट्री फार्म में आ गया और इनके लिए खाना भी लेके आ गया, मुर्गी के लिए पानी भी रख दिया नया करके। अब ये देखें जी माशाल्लाह हमारा पोल्ट्री फार्म और हमारे जो मुर्गी के बाकी बच्चे हैं मुर्गी के, वो उधर गए हुए हैं। वो देखें अभी जो है ना, ये पूरे मोहल्ले में इधर घूमते हैं, चौदीवारी के अंदर में ये पूरे प्लाट में इधर घूमते रहते हैं। अभी पहले जो है ना उधर जाके बैठ जाते थे, बाहर में निकलते थे तो उधर बैठ जाते थे। अभी जो है ना माशाल्लाह पूरे इधर हवेल है जो बड़े वाला, इसमें घूमते हैं। और हमारे बत्तख के बच्चे वो देखें, वो नहा रहे हैं पानी में। और ये बत्तख का बच्चा देखें, ये भी खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा मुर्गा और ये हमारी डक्स, ये डक्स जो है ना ये लड़ती है हमारी मुर्गी। डक्स जो है ना एक साथ में जाओ तो देखो कैसे लड़ती है ये, माशाल्लाह जी। तो अभी जो है ना इनको खाना दे देते हैं। और एक और सरप्राइज है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं चल के। पहले जो है ना इनको खाना दे देते हैं। हमारे जो वो उधर वो बांधे हैं, हमारे उधर जो चकोर और मोर और हमारे मुर्गी के बच्चे जो बांधे हैं उसको भी खाना देते हैं चल के। फिर जो है ना मैं आपको सरप्राइज़ दिखाता हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने जो है ना अपनी मुर्गी और हमारे जो डक्स हैं उसको खाना दे दिया। ये देखें जी, ये हैं हमारे गोल्डन मुर्गी के बच्चे माशाल्लाह। मैंने अंदर में दो डब्बे रखे हुए हैं पिंजरे के अंदर में, उसमें भी मैंने खाना दे दिया उनको ताकि वो कुछ जो है ना उधर खाएं, क्योंकि इधर जो है ना डक्स जो है ना हमारे मुर्गी के जो बच्चे हैं उसके साथ लड़ती हैं, उनको खाना नहीं दे खाने देती। ये जो डक्स है ना ये वो खड़ी है, दूसरी डक्स है ये लड़ती हैं अभी ये। ये देखें माशाल्लाह, ये जी हमारे गोल्डन मुर्गी के बच्चे, गोल्डन मुर्गी ये बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं। ये जब थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे फिर आपने देखना है कि ये कितने बड़े हो जाते हैं और इनका वज़न कितना हो जाता है ये इस मुर्गी का। और ये डक्स गर्मी की वजह से जो है ना ये डब्बे में दो दफ़ा दिन को भर के रखता हूँ, एक दोपहर को भर के रखता हूँ, एक सुबह यानी कि अभी दिया। ये तीन डब्बे जो है ना मैंने बहर में रखे हुए हैं, ये बड़े डब्बे हैं, इसमें तकरीबन 10 लीटर पानी तो आ जाता है। ये तीन डब्बे हैं भर के रखे हुए हैं, फिर ये दोपहर को दोबारा रखने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी ज़्यादा तेज़ होती है, दिन को प्यास लगती है मुर्गी को, इसलिए इनका जो है ना पानी लाजम होना चाहिए हर वक्त गर्मी में। तो जी मैं आ गया हूँ मोर और चकोर में, इनको भी खाना देना है और हमारे मुर्गी के बच्चे। और ये हमारी डक्स देखें, ये इधर अंडा देने के लिए आ गई हैं, ये इधर देखें बैठी हुई हैं। अब ये इसका क्या मकसद बनता है कि ये इतना ऊपर आके अंडा दे रही है? हालांकि इसके लिए मैंने वो जो इनका गुरफा बना हुआ है उधर मैंने इनके लिए घर बनाया हुआ है उधर अंडा देने के लिए, लेकिन ये फिर इधर मुर्गी के घर में आ जाती है इधर अंडा देने के लिए। ये ऊपर चढ़ गई उधर बाहर में, हालाँकि इनके लिए बहुत ही अच्छा वाला घर बना है बड़ा बड़ा। देखें जी ये हमारे मोर है, वो चकोर माशाल्लाह। अभी ये देखें कितना कलर चेंज हो रहा है, जो सबसे बड़ा है उसको देखें कैसा है ये माशाल्लाह। अभी जो है ना इनकी चोंच जो है ना लाल हो चुकी है। और इधर जो है ना हमारे मुर्गी के बच्चे, सोनाली मुर्गी के बच्चे हैं जी। ये देखें जी खूबसूरत से माशाल्लाह, इनको जो है ना 10-15 दिन तक जो है ना पैर में खुला कर देंगे। और ये हैं जी हमारे मोर माशाल्लाह, 5 मोर। ये देखें जी माशाल्लाह कितने बड़े हो रहे हैं ये जल्दी जल्दी माशाल्लाह। अभी इनके सार के ऊपर देखें चोटी चोटी निकल रही है
वो जो मोर के सार के ऊपर होती है ना चोटी हुई, ये देखें जी माशाल्लाह। जो है ना इनको पानी दे देते हैं। पानी मैं किस में लेके आऊँ, इस बोतल में इसमें लेके आता हूँ। पहले जो है ना इनको पानी रख के फिर खाना देते हैं, फिर आगे चल के आपको सरप्राइज दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, मैंने जो है ना पानी भर के रख दिया है मोर को, और उसके बाद ये पानी इसको भी दे दिया हमारे मुर्गी के बच्चे को, ये भी पानी पी रहे हैं देखें माशाल्लाह। और इनका खाने का डब्बा मैंने बाहर में निकाल दिया, क्योंकि इनका ये खाना बाहर में मुर्गी को दे देते हैं, फिर इनको नया खाना देते हैं। और मोर वो चकोर को भी जो है ना मैंने वो पानी दे दिया। ये देखें जी, मैंने जो है ना अंडे उठा लिए हैं, 10 अंडे हैं ये देखें। अभी जो है ना एक मुर्गी इधर बैठी हुई है, वो डाक्स हमारी, वो अंडा दे रही है। ये मैंने रात वाले उठा दिए जो रात को दिए थे हमारी मुर्गी और डाक्स ने, ये देखें माशाल्लाह। मैंने खाना जो दे दिया सबको, पानी भी दे दिया। अभी इनका ये दिन जो है ना इजी होकर गुजर जाएगा, फिर दोपहर को इधर आएंगे, इनको जो है ना पानी देंगे। फिर हमारा जो सरप्राइज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। चलो जी, पहले अंडे को मैं इधर रख देता हूँ, चलते हैं जी। तो जी आ जाओ, आप लोगों को आज सरप्राइज दिखाते हैं। ये है जी सरप्राइज हमारा, मैं जो बोल रहा था आपको। माशाल्लाह हमारे न्यू मुर्गी के बच्चे निकल आए हैं मशीन में, हमने जो अंडे रखे हुए थे ये इसमें पूरे अंडे रखे हुए हैं, देखे वहाँ तक पूरे अंडे हैं। ये जो 50 अंडा है ये जो है ना इस दिन अभी निकलेगा, क्योंकि ये देखें हमारी आवाज़ सुन के ये मुर्गी के बच्चे जो है ना वो चौंकने हो गए हैं, इनको पता चल गया है कैसे छोटे छोटे क्यूट बेबी जी निकल आए माशाल्लाह। ये जी हमारा सरप्राइज़ देखें, हमने जो अंडे मशीन में रखे हुए थे उसमें से जो है ना इनके दिन पूरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो है ना इस नई दुनिया में आ गए हैं अभी माशाल्लाह। अभी जो है ना इनको पानी रख देते हैं, खाना दे देते हैं ताकि ये इधर खाते रहें, दो दिन इधर रखेंगे फिर जो है ना इनको लेके जाएंगे उधर उस ग्रुपे में। अभी जो ये वाली लाइन है अंडे की, ये पूरे अंडे निकलेंगे, यानी कि ये 55 अंडे हैं इधर इसमें थे, बाकी जो है ना ये अंडे जो है ना ये अंडे निकलेंगे तकरीबन 6-7 दिन के बाद। पहले ये निकलेंगे क्योंकि हमने अंडे रखे थे 10 दिन 15 दिन में, बीच में गैप रखा था क्योंकि जगह नहीं होती मुर्गी के बच्चे रखने की, इसलिए हम जो 10-15 दिन का बीच में गैप हो जाता है। और ये निकला है माशाल्लाह। जी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।